नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आखिरकार लंबे समय बाद चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक हटा दी गई है। वहीं जहां यात्रा पर रोक हटाए जाने से तीर्थ पुरोहित समाज में खुशी की लहर है, तो वहीं चारधाम से जुड़े व्यापारियों और मजदूरों में भी खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि यात्रा पर रोक हटने से उन्हें पहले के जैसे रोजगार मिल सकेगा। बता दें, कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी व अन्य अव्यवस्थाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। वहीं इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर हाईकोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख नियत की थी। वहीं अब आज हाईकोर्ट ने सशर्त चारधाम यात्रा पर रोक हटा दी है, जिसे तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो मामला आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देख सकते हैं, चमोली की तस्वीरें देख सकते हैं, उत्तरकाशी की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। चारधाम पर लगी रोक हटा दी गई है। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने हाईकोर्ट का आभार जताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने अब हटा दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 तारीख आज का दिन नियत किया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने सशर्त चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। अब तीर्थ यात्रा से जुड़े सभी लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो चारधाम पर लगी हुई रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों ने हाईकोर्ट का आभार जताया है। प्रदेश एवं देशवासियों को उत्तराखंड चारधाम यात्रा खुलने के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड महामारी को देखते हुए इस साल यात्रा नहीं चल पाई, उसके बाद बीच में सरकार ने खोलना चाहा था, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला चले गया और आज हाई कोर्ट ने यात्रा चारधाम यात्रा पे छूट दे दी है और सरकार ने 1200 यात्री बद्रीनाथ में, 800 यात्री केदारनाथ में, 600 यात्री कुछ ऐसे गंगोत्री में, 600 यात्री यमुनोत्री में कहा है। मैं सरकार से बोलना चाहूँगा, एक साल से सारा व्यापारी जो है बेरोजगार है यहाँ पे और सीमित यात्रा में अगर यहाँ पे यात्री आएगा उससे व्यापार लोगों को नहीं चलेगा, लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। मैं सरकार से बोलना चाहूँगा कि सरकार अधिक से अधिक यात्रियों की सुविधा यहाँ पे कराए, ताकि देश एवं प्रदेशवासी और विदेश से जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं, यात्री अपने को सुरक्षा मान करके केदारनाथ और बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पे आए। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो सरकार ने बहुत पहले पैरवी करनी चाहिए थी वो सरकार ने सही प्रकार से पैरवी की नहीं थी। आज कोर्ट के माध्यम से चारधाम यात्रा का सुचारू रूप से होने के जो आपने कोर्ट ने घोषणा की है, उसके लिए तमाम जो बेरोजगार युवा बैठे थे और जो होटल व्यवसायी कई दो साल से बैठे हुए थे, उनको रोजगार के साधन एवं एक रौनक से उत्तराखंड में छा जाएगी और लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। परंतु सरकार के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के जो नियम हैं उनके तहत हमारी जो यात्रा है उसका संचालन किया जाए और एक बार फिर से कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सबकी बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो। आज यात्रा को विधिवत खोलने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज जो यात्रा रूट के व्यापारी हैं और जो हमारा पंडा समाज है, उन सबकी जो मांग थी उस मांग को एक सफलता हमको प्राप्त हुई है। मैं जानता हूँ कोरोना काल में विगत वर्ष भी जिस अपेक्षा के हम से यात्री को आना था वो आ नहीं पाए और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी यात्रा का लंबा समय है, लगभग 2 महीने से ज़्यादा यात्रा का समय है और मेरा अपेक्षा रहेगी पूरे देश के सभी धर्मावलंबी नागरिकों से कि इस समय पर उत्तराखंड का मौसम सुहावना है और आप निश्चित रूप से यात्रा के लिए आएंगे तो बड़ी संख्या में आप चारों धामों के दर्शन करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त। बोलो बदीशाल, भगवान की जय। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी चारधाम संघ और उच्च
उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने चारों धामों की यात्रा खोल दी है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह हुई कि जो लोग इन चार महीनों से इतने बेरोज़गार थे, वो लोग भी, उनको भी रोज़गार मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मेरा सभी चारधाम के वासियों को बहुत बहुत बधाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो इस चारधाम के मुहिम में जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया और उनके अथक प्रयास से आज यात्रा खुली है। मैं एक बार फिर से न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय बद्री विशाल। उत्तरकाशी के बड़े नेता माने जाने वाले सूरत राम नौटियाल बीजेपी में घर वापसी कर चुके हैं और उनके साथ ही कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें 2017 के चुनाव से पहले पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया था तो सूरत राम नौटियाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं अब गंगोत्री से विधायक रहे गोपाल सिंह रावत का निधन हो गया है। ऐसे में बीजेपी के पास गंगोत्री से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में सूरत राम नौटियाल की वापसी उनके साथ साथ बीजेपी को भी संजीवनी दिखी। वहीं सूरत राम नौटियाल ने बीजेपी में वापसी करने के बाद कहा है कि उन्होंने किसी और पार्टी के दरवाजे की ओर देखा भी नहीं और सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब वह फिर से बीजेपी में ही शामिल होंगे। 14 जनवरी 1969 से भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित हुआ और उसके बाद भारतीय जनसंघ जो है जनता पार्टी बनी। उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं उसी गंगा के प्रवाह के साथ साथ गया, लेकिन कभी कभी बच्चा माँ से कुछ मांगता है और जब वो नहीं मिलता है तो बच्चा मांग से रूट करके अलग चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। ये ज़रूर है कि मैं 2017 में चुनाव लड़ा था और तब परिस्थिति थी, लोगों का एक जोश था कि भाई आप इतने वर्ष हो गया, एक बार चुनाव आजमा दीजिए। लोगों के आक्रोश और जोश उत्साह को देखते हुए निरंतर मैं स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ा और उस मोदी जी की फैक्टर में भी 10,000 से लगभग वोट पाई, लेकिन मैं किसी के गोद में नहीं गया। मैं समुद्र में रहा तो मैंने कहा मैं नालों में कहीं नहीं जाऊंगा और आज मेरी पार्टी ने मुझे बुलाया है और एक शब्द है कि कुपुत्रो जाए ते क्वचित पितामाता न भवती। पौड़ी के चौबट्टा खाल पहुंचे आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका कीमती वोट आम आदमी पार्टी को देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि वह दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में पलायन का मूल कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है, जिसकी स्थिति को हमें बदलना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी के दरवाजे बीजेपी और कांग्रेस के मंत्रियों के लिए भी खुले हैं। तो चौबट्टा खाल पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का चौमुखी विकास चाहते हैं और जो भी नेता बीजेपी या कांग्रेस से उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। आम आदमी पार्टी तो पहले तो आम आदमी पार्टी जो भी नेता लेके आ रही है, लीडर लेके आ रही है, वो एक अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके लेके आ रही है। आम आदमी पार्टी के दरवाजे दोनों के लिए, किसी भी पार्टी है बीजेपी कांग्रेस, उनके लिए खुले हुए हैं अगर कोई आना चाहता है। लेकिन खाली एक कंडीशन जो आम आदमी पार्टी की रहती है कि यहाँ पर एक तो करप्ट नहीं होना चाहिए आदमी, वो धर्म की राजनीति ना करे, उसका कहीं उत्तराखंड की तरफ, मतलब उत्तराखंड की तरफ उत्तराखंडवाद हो उसके अंदर, राष्ट्रवाद उसके अंदर हो और एक इंडिविजुअल केसेस पे हर एक का केस देखा जाएगा। अगर लगेगा कि ये पार्टी में ज्वाइन होने के लिए ठीक है तो हम वेलकम करेंगे उसको। निश्चित तौर पर देखिए उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है और कर्नल कोठियाल साहब हमारे लिए आइडियल हैं। उत्तराखंड का एक उन्होंने जिस तरीके से युवाओं के लिए काम करा है, जिस तरीके से उनके उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है, तो निश्चित तौर पर कर्नल कोठियाल साहब हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा और उनके आने से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों ने ज्वाइन करा, बहुत सारे युवाओं ने पार्टी को ज्वाइन करा, तो बहुत फ़ायदा हमें उनसे मिलने वाला है और आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में कि लोगों में बहुत ज़्यादा जोश था। देखिए जो मौजूदा घटनाक्रम है उत्तराखंड की राजनीति का, उसमें जितने कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं उनमें से काफ़ी लोग जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राजकुमार शामिल हो गए, उधर पहले यूकेडी में प्रीतम सिंह पवार थे वो बीजेपी में चले गए,
तो खरीद फरोख्त की राजनीति उत्तराखंड में शुरू हो गई है और भाजपा यहाँ पे खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। अब यहाँ पे कांग्रेस तो एकदम हाशिए पर आ गई है। अब जो मुकाबला है वो भाजपा और सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के बीच में है, क्योंकि भाजपा से लोग नाराज़ हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे कोई भी भाजपा को वोट नहीं करना चाहता। जिस तरह से तीन तीन चार चार मुख्यमंत्री बदले गए हैं यहाँ पे, तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की अस्थियां आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वीआईपी घाट पर उनके तीर्थ पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित करवाया और उनकी आत्म शांति की कामना की। आपको बता दें, करीब 100 गाड़ियों के एक काफिले के साथ यूपी के कई विधायक और सांसद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं पिता की अस्थियां विसर्जित करने आए राजवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ही भगवान राम ने उनके पिता को धरती पर भेजा था और राम मंदिर के निर्माण होने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपने पास बुला लिया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने में दिवंगत कल्याण सिंह के अभूतपूर्व योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, बाबूजी की अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हमने 5 जगह रखा है। एक जगह वो थी जहाँ उन्होंने काम किया, जहाँ से सांसद से ब्लेंसर से अंतिम अंत्येष्टि वहीं हुई थी उनकी, और उसके बाद में एटा, उसके बाद में इलाहाबाद, अयोध्या, और आज अंतिम अस्थि हमने हरिद्वार में प्रसिद्ध की। मेरे परिवार में सभी लोग हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, मैं हूँ। देखिए, राम मंदिर बाबूजी ने, शायद बाबूजी के लिए भगवान राम ने इसी काम के लिए भेजा था और वो काम पूरा हो गया और बाबूजी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। हो सकता है कि इससे भी अच्छे काम के लिए उन्हें कहीं भेजा हो। कल्याण सिंह जी पार्टी के उन नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया, और यही नहीं तो उनका एक बड़ी स्पष्ट सोच थी कि जब तक पार्टी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, ये स्लोगन दिया था उन्होंने कि पार्टी जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक हम कैसे अपनी राजनीतिक यात्रा की मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये कहें कि तमाम अभावों में भी किस तरह से पार्टी को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने का काम सुधैय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने किया। वहीं रुद्रप्रयाग में अपराध पर नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा सभी थानों व चौकियों में बड़े स्तर पर बाहरी लोगों का सत्यापन कराने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। बता दें, अब तक पुलिस कुल 1500 से ज्यादा बाहरी लोगों का सत्यापन करा चुकी है। इसके साथ ही करीब 100 मकान मालिकों का पुलिस अधिनियम के तहत चालान भी किया गया है। दरअसल, रेल परियोजना और ऑल वेदर कार्य के शुरू होने के बाद से जिले में बाहरी लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जहां रेल परियोजना में हजारों की संख्या में मजदूर और कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहीं ऑल वेदर कार में भी सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को अपराध बढ़ने का डर सता रहा है और स्थानीय लोगों ने ही पुलिस प्रशासन से बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि जिले में लगातार स्थानीय लोग बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन करने की मांग करते आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी अपने घरों या प्रतिष्ठानों में रखे गए बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करवाने की अपील की गई है। कि ये सभी के लिए आवश्यक है कि जो भी बाहरी लोग रख रहे हैं, कोई किराएदार रख रहा है, तो मकान मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो उनका सत्यापन कराएं। इसमें सभी लोगों को पहले से बता दिया गया है, सभी मकान मालिकों को, कि आप किराएदार रखने से पहले उनका सत्यापन कराएंगे, और काफ़ी लोगों के द्वारा कराया गया है, जिनके द्वारा नहीं कराया गया है उनके चालान भी किए गए। देखिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है कि जो बाहरी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका नियमित रूप से सत्यापन किया जाए। तो ये पहले से भी चलता रहा है, लेकिन परंतु अभी लास्ट वीक से हमने एक अभियान की तरह इसको स्टार्ट किया है। इसमें बाहरी लोग जितने भी किराएदार रह रहे हैं,
जो भी मजदूर हैं जो बाहर से आकर काम कर रहे हैं और अन्य भी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सभी का व्यापक स्तर पर सत्यापन सभी थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है। लगभग 1,500 के आसपास सत्यापन अभी तक किए जा चुके हैं और आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। वहीं हरिद्वार के गांव रानी माजरा विशनपुर कटारपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त रात करीब 12 बजे हाथियों का झुंड खेतों में घुस आया और जमकर उत्पात मचाया। वहीं सुबह जब किसानों ने खेतों में जाकर देखा तो फसलों को देखकर किसानों के होश उड़ गए, क्योंकि इस समय धान की फसल और गन्ने की फसल तैयार है और जंगली हाथियों का आना शुरू हो गया है। हाथियों ने फसलों को पूरी तरह से रौंद दिया जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। मामले में डीएफओ हरिद्वार नीरज शर्मा का कहना है कि हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए वन विभाग की 16 से 17 टीमें हमेशा तैयार रहती हैं। हाथी आबादी क्षेत्रों व खेतों में ना आए इसके लिए और उचित तैयारियां की जाएंगी। मेरे बिल्कुल अपने स्टाफ को, रेंज अधिकारियों को, जिन जिन के एरिया में ये पड़ती है, बहुत ही सख्त निर्देश है कि अगर कहीं भी दीवार क्षतिग्रस्त होती है तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत उसकी रिपेयर कराई जाए। तो नॉर्मली हम लोग इसमें तुरंत ही इसकी रिपेयर कराते हैं। बीच में दीवार में 2 या 3 स्थानों पर कहीं कहीं पर जहाँ गाँव वालों ने ही उस समय बताया था, उसके अकॉर्डिंगली उनके, क्योंकि उनके भी क्रियाकर्म होते हैं, कई सारे कार्य होते हैं गंगा जी से, तो वो गेट बनाए गए हैं जिसमें कि सोलर फेंसिंग लगाई गई है। तो इस प्रकार के गेटों में हो सकता है कि कहीं पर हाथी के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया हो, लेकिन हमारी एक टीम लगी रहती है। जैसे कि आज ही कोई क्षतिग्रस्त होगा तो कल ही उसकी रिपेयर हम लोग करते हैं। बेसिकली तो इस तरह का घटना होते ही हम लोग तुरंत रिपेयर करते हैं, क्योंकि हाथी भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। उनको एक उनका परंपरागत बहुत पुराने समय का रास्ता है, वहाँ से रोका गया है, तो हाथी भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं इसके लिए कि किसी तरह से जो उनका रास्ता है वो ना वो हो पाए, वो खेतों में पहुँच पाए किसी तरह। लेकिन हम भी अपने प्रतिबद्ध हैं, हम अपनी पूरी टीम के साथ लगे हैं। तो सर देखिए, ये कॉलर की बदौलत ही हम बहुत ही ज़्यादा त्वरित कार्रवाई कर पा रहे हैं, वरना हाथी जैसे जानवर को रोक पाना, वो भी 4-4, 5-5 अगर वो आते हैं ग्रुप में आते हैं, तो किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाएगा, कितनी भी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। लेकिन चूंकि वो कॉलर से हमारे पास जो सूचना आती है तुरंत ही हम यहाँ वायरलेस के माध्यम से अपनी टीमों को प्रेषित करते हैं। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अब खबर चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ से है, जहां बीते बुधवार को नारायण बगड़ के पैतोली डुंगी गांव में अन्नपूर्णा मठ में धर्मशाला के अनावरण को लेकर हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, इस विवाद में जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली ने धराली विधायक मुन्नी देवी शाह के नाम की शिलापट्ट भी जमीन पर पटक दी थी। इसके साथ ही उन्होंने विधायक पर जिला पंचायत सदस्यों के विकास कार्य अपने नाम कराने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया था। वहीं अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण रावत ने नारायण बगड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर थराली विधायक मुन्नी देवी शाह पर विकास विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि थराली विधायक के गृह विकासखंड में सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, उनके ही गृह विकासखंड में कई गाँव आज भी सड़कों से वंचित हैं, लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं और विधायक खुद तो गांवों का विकास कर नहीं पा रही हैं और जबरन पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही हैं और पंचायत प्रतिनिधियों की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताकर अधिकारियों पर दबाव बनवाकर योजना के शिलापट्ट बनवाकर जबरदस्ती उद्घाटन और लोकार्पण कर रही है। देखिए, जनता का आक्रोश है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विधायक जी के पति 5 साल प्रमुख रही और उसके बाद विधायक जी राज्य मंत्री रही, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष, तो 4 साल हो रहे और 5 साल पति और पत्नी मिला के दोनों विधायक रहे। और आपने इन 14 सालों में पैतोली के लिए कुछ भी नहीं किया। वहाँ के लोगों की जेन्युइन जो समस्या है रोड की है, वो रोड पैदा जाते हैं। आज इस विकास के युग में माननीय जीतराम जी के द्वारा वहाँ पर रोड स्वीकृत कराई गई। विधायक जी को होना चाहिए था कि अब उनको उस कार्य को आगे बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, वो वहाँ फेलियर हुई। तो लोगों का आक्रोश था, मैं उसमें था। निश्चित रूप से मैंने ये कहा लोगों को कि भैया मैंने वो गोल तोड़ा, मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ और हमारे कार्यकर्ता जो चीज़ करते हैं तो उसका मैंने कहा मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और तोड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, उसमें क्या है, उनका आक्रोश था, बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 लाख के अगर आप शिलान्यास करेंगे तो तोड़ेंगे, भविष्य में और जो ऐसे काम करेंगे तो और कार्यकर्ता भी तोड़ेंगे। योजना वर्ष 2020-21 में मैंने जिला योजना से वो प्रस्तावित की थी और उसका मेरे पास कागज भी है।
और वो जिला योजना से वो हमने 5 लाख रुपये मांगा था, लेकिन जिला योजना से हमें 3 लाख रुपये मिल पाए, तो 3 लाख रुपये वो स्वीकृत हुए। उसमें वहाँ पे वहाँ के ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ पे प्रतीक्षालय और एक कमरा टाइप का वो टीन शेड बनाया था वहाँ पे, तो वहाँ उनका सामान सामान रखने के लिए मंदिर में जो हर साल कार्यक्रम होते रहते तो उसके लिए वो कमरा बनाया था वहाँ पे। तो जितना बड़ा वो टीन शेड नहीं था, उससे काफ़ी बड़ा वो बोर्ड था, तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, उन्होंने तोड़ दिया, बहुत बड़ी बात नहीं। सर प्रथम तो मैं करता हूँ कि जब हम वहाँ पे गए थे, इससे पहले पूर्व सरकार पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी ने हमारे पैतौली के लिए वानिकी विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, और जो वर्तमान सरकार आई उसने उस घोषणा को उस विद्यालय को उस स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारी उस क्षेत्र की जनता में रोष था, और पुनः जब परसों वहाँ पे मेला का कार्यक्रम था तो मुझे भी वहाँ पे जाने का मौका मिला। मैंने जब वहाँ पर देखा कि जो वर्तमान विधायिका है, वर्तमान विधायिका ने क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किए, और उस कार्यों को छुपाने के लिए उस क्षेत्र के कुछ जो उनके जो वो थे पार्टी के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे एक शिलान्यास कार्यक्रम रखा, जो कि हमारे माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत लक्ष्मण रावत जी द्वारा किया गया था, और उसका जो वो हुआ वो उसका वहाँ पर लोकार्पण हुआ। जब हम वहाँ पे पहुँचे, उससे पहले हमसे पहले वहाँ पे विधायक जी पहुँच चुकी थी, तो जब विधायक जी गए थे, विधायक जी का वहाँ पे कोई प्रकार का हल्के से स्वागत हुआ, और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो सारे क्षेत्र की जनता हजारों संख्या में वहाँ पर हमारे पीछे नारेबाजी करते हुए हमारे समर्थन में वहाँ तक पहुँची। मसूरी में मातृशक्ति द्वारा प्रशासन और पुलिस के सहयोग से यातायात नियमों व कोरोना संक्रमण के नियमों को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें, इस अभियान का नेतृत्व एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान छात्राओं व महिलाओं ने बैनर व स्लोगन पट्टी के जरिए और नारे लगाकर यातायात के प्रति लापरवाही न बरतने की अपील की। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का पालन करने से हादसों में भी कमी आएगी और वाहन चलाने वाला भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही एसडीएम मसूरी ने मातृशक्ति द्वारा यातायात और कोरोना संक्रमण को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की प्रशंसा भी की है। खासकर मसूरी जो पर्यटन स्थल है उसके लिए विशेष रूप से उसका महत्व है। तो जैसा कि हमें शासन से दिशा निर्देश मिल रहे हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय का विशेष बल है, आपने देखा भी होगा पिछली बार भी जिलाधिकारी महोदय स्वयं फील्ड पर उतरे थे और साथ साथ SSP साहब भी थे, तो लगातार हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि लोगों को जो है केवल दंडात्मक क्रिया नहीं प्रक्रिया ना अपनाई जाए, बल्कि उनको इसके लिए जागरूक भी किया जाए। तो उसी क्रम में आज जागरूकता अभियान के क्रम में जो है हम लोग आज यहाँ के जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो ARTOE हैं, फिर नगर निगम है और पुलिस है, ये सारे विभागों के माध्यम से जो है आज जन जागरूकता का कार्यक्रम जो यहाँ पर मसूरी में किया जा रहा है। यहाँ पे सभी जितने लोग हैं स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग है यहाँ पे, विशेषकर मातृशक्ति ने यहाँ पर ये किया हुआ है, आपके होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, सभी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अपने लेन में ड्राइविंग करें, पार्किंग गलत जगहों पर ना करें। तो एक व्यापक अभियान चला करके जन जागरूकता का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तो इसमें हमने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हम हमेशा चाहते हैं ऐसा कोई भी कॉज मसूरी में हो जिसमें हमारी सहायता चाहिए, तो हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और जैसे ही हमें ये कॉज का पता चला तो हमने उनके साथ मिलके बच्चों को और लेडीज़ को, हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा मसूरी की जनता को जागरूक कर सकें। इस तरीके से जागरूक कर रहे हैं इसमें हम लोग में ये पैम्फलेट्स है जिसमें हमें देहरादून ट्रैफिक पुलिस से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, उन्होंने हमें ये सारी प्रिंटेड सामग्री सब कुछ भेजा है, और जो हमने मसूरी देहरादून मार्ग पे शीशे हैं वो भी हम चेंज कराएंगे, हमने पिछले साल लगवाए थे, वो लोग उनकी तरफ से हमेशा बहुत हेल्प मिलती है। और इसमें सब लोग को हम यही अवेयर करना चाहेंगे कि गलत जगह पे अपनी स्कूटी अगर आप पार्क भी करते हो तो एटलीस्ट देख के पार्क करो कि आप उस कोई सड़क को ब्लॉक ना करो, आप हेलमेट पहन के रखें, आप ओवर स्पीडिंग ना करें, ट्रिपलिंग ना करें, इन सब चीज़ों का अगर हम लोग खुद ही ध्यान रखेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हमें ये अभियान चलाने पड़े। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर के जुआलगढ़ में आज एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर नगर निगम परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विधवा, वृद्धावास, विकलांग, पेंशन से जुड़े अनेकों मामलों सहित कई विभागों से जुड़ी सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस दौरान भारी मात्रा में लोग अपनी समस्याएं लेकर शिविर में आए। वहीं शिविर का शुभारंभ करते हुए महापौर अनिता ममगाई ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य जनसेवक के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर उत्तराखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनकी जनसेवा का लाभ शहर की जनता को भी मिल सके, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।